हमारे चिप लीडर यहाँ पे जोसेफ हेबर्ट किंग 9 ऑफसूट के साथ यूटीजी से इस हैंड को ओपन करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि वो हर एक हैंड खेलना चाहते हैं, कोई भी पोजीशन से खेलना चाहते हैं, अपने चिप लीड का ज़बरदस्त फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे किंग टू ऑफ सूट स्मॉल ब्लाइंड से फोल्ड करते हुए यहाँ पे युआन 6-7 सूटेड 6-7 ऑफ हार्ट्स बिग ब्लाइंड पर वो अपना शॉर्ट स्टैक दोबारा काउंट कर रहे हैं और उन्होंने कॉल किया। हो सकता है यहाँ पे ये स्टॉप एंड गो स्ट्रैटेजी यूज करने के इरादे से 7-6 सूटेड प्री फ्लॉप स्मूथ कॉल। दोनों ही प्लेयर्स जाएंगे फ्लॉप पे, फ्लॉप खुलता है डोस 3-4, 3 ऑफ स्पेड 4 ऑफ क्लब डोस ऑफ स्पेड। यहाँ पे जैसा कि मैं बता रहा था स्टॉप एंड गो स्ट्रैटेजी में ये होता है कि प्री फ्लॉप आप मिन क्लिक ओपन को कॉल करो और कोई भी बोर्ड आते ही आप डोंग जैम कर दो। युआन ने एग्जैक्टली यही किया, सिर्फ 7 हाई और एक गट शॉट के साथ, बट जोसेफ हेबर्ट यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी को जानते थे, इसलिए किंग 9 ऑफ सूट का उनका स्नैप कॉल। टर्न पे खुला है क्वीन ऑफ डायमंड जो युआन को बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है। उनके आउटर्स 4 आउटर्स हैं 5K, 3 आउटर हैं 7K और 3 आउटर हैं 6K, जिसमें से 7 ऑफ क्लब्स उन्होंने रिवर पे कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पे एक अच्छा खासा डबल अप लेते हुए युआन। जोसेफ हेबर्ट ने रीड तो परफेक्ट की थी बट रिवर पे युआन ने अपना 7 पेयर क्लिप करवा लिया। वर्ल्ड सीरीज ऑफ पोकर की ये मैजिकल जर्नी चलती रहेगी यूं ही। और भी थ्रिलिंग एपिसोड्स और पोकर कंटेंट के लिए देखते रहिए पोकर टीवी, ब्रॉट टू यू एक्सक्लूसिवली बाय पोकरबाजी।